में आप लोगों का स्वागत है फ्रेंड। आज हम बनाने जा रहे हैं चने की दाल का पकौड़ी। चलिए बनाते हैं। एक कटोरी चने की दाल ली हूँ, उसको हमें 2 घंटे के लिए भिगो दी थी। आप चाहें तो गर्म पानी में आधे घंटे के लिए भिगो देंगे अगर जल्दी हो तो बनाने के लिए। चलिए मिक्सर जार में इसको हम पीसते हैं। से 10 हम लहसुन का कलियां ली हूँ, एक छोटा टुकड़ा अदरक का। अब चलती हूँ इसको पीसने। इसको हम पेस्ट नहीं बनाएंगे, चने की दाल को हम दरदरा ही रहने देंगे कि अच्छे से पकौड़ी बने। दरदरा हो गया है, हम इसमें 3 हरा मिर्च कट कर ली, 1 प्याज कट कर ली, ऐड कर रहे हैं धनिया पत्ती। चम्मच हम हल्दी पाउडर मिक्स कर लेंगे, स्वाद अनुसार नमक। और गरम मसाला थोड़ा सा, सूखा मिर्चा पाउडर थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा अगर तीखा पसंद है तो। अब इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे से। देखिए फ्रेंड मिक्स हो चुका है। अब चल रहे इसको हम तलेंगे। ऑयल गर्म होने के लिए रख दी हूँ। देखिए फ्रेंड ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें हम अब छोटा छोटे इसी तरह बना के डालेंगे। ये फ्रेंड कितना फुला फुला पकौड़ी बन रहा है। देखिए फ्रेंड पकौड़ी हो चुका है, इसी तरह हम सारे पकौड़ी को तल लेंगे। सारे पकौड़ी बन चुके, कितना सॉफ्ट पकौड़ी हुआ है। अगर हमारा ये रेसिपी आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। अगर हमारे चैनल में नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।